नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। हेलो व्यूअर्स, बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी फिल्म जुग जुग जियो को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर रोज नए अपडेट आ रहे हैं। कभी इस फिल्म की कहानी को लेकर कोई बात सामने आती है तो कभी इस फिल्म को लेकर कोई कोर्ट पहुंच जाता है। फिल्म रिलीज होने से पहले की सारे विवादों में भी आ गई है, लेकिन इन सब का फिल्म पर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने एक बार फिर से अपने प्रेमी सिद्धार्थ मल्होत्रा को याद किया है और इनकी तारीफ करते हुए कई सारी बातें बोली है जो फैंस को काफी खुश कर रही हैं। कियारा आडवाणी ने अभी हाल ही में ईटी टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई सवाल पूछे गए। उसमें से एक सवाल ये था कि तीन फिल्मों में से किसे वो चुनेंगी। इसमें उन्होंने कबीर सिंह, शेरशाह और गुड न्यूज जैसी फिल्मों के नाम दिए। इसके जवाब में कियारा ने कहा, कबीर सिंह ने मेरी लाइफ बदल दी। इस फिल्म के किरदार ने मुझे एक नई पहचान दी। इसके बाद उनसे पूछा गया, आपके फिल्म करियर का अब तक का सबसे मुश्किल सीन कौन सा था। इसका जवाब देते हुए कियारा ने कहा, फिल्म शेरशाह का क्लाइमैक्स। इन सब के बाद उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब उन्होंने इस अंदाज में दिया कि सब देखते रह गए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत हैंडसम है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को लेकर बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं। कियारा आडवाणी जल्दी फिल्म जुग जुग जियो में नजर आने वाली है। ये फिल्म 24 जून को रिलीज होनी है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी के साथ साथ अनिल कपूर, नीतू कपूर और वरुण धवन भी नजर आने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कियारा आडवाणी ने ये कहा कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है, काफी अपने आप को मेंटेन करना पसंद करते हैं। सिद्धार्थ की कई सारी आदतें भी हैं जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनकी बातें, इंटरव्यू में दिए गए बयान इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जो उनके ब्रेकअप की र्यूमर्स निकलकर सामने आ रही थी कि वापस ब्रेकअप हो गया है या ये वापस साथ नहीं आ पाएंगे, उन सभी को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ कर रही है, उससे ये बात तो साबित होती है कि सिद्धार्थ के लिए आज भी कियारा का दिल धक धक करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस के भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।